हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिल महाजन है। मैं जो आज आपके लिए शेयर लेके आया हूँ, आईसीसी बैंक का शेयर लेके आया हूँ। हम उसकी एनालिसिस करेंगे कि टेक्निकली कैसे ये शेयर परफॉर्म कर रहे हैं, आपको इसमें पोजीशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आपको हमारे से जुड़ना है तो हम आपको क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक का लिंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लीज आप उसमें जाके अपना जो है अकाउंट ओपन कर लीजिए, ताकि जो है आप हमारे से जुड़ सके और हम क्या करें एक दूसरे की एडवाइस लेके। ठीक है, जैसे आपको हमारी एडवाइस या कभी हम आपके साथ जुड़ते हैं या आप हमारे को कभी कांटेक्ट करते हैं तो आपको थोड़ा इजी हो जाए हमारे साथ बोलना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टेक्निकली ये स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे काफी बड़ा एक गैप बना है। ठीक है, ये हमने डेली चार्ट लिया है आईसी बैंक का, और 22 अक्टूबर 2021 में ना जब प्राइस क्लोज हुआ था तो वो क्लोज हुआ था 759 के जोन में। और अगले दिन, ठीक है, एक इसका अच्छा रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट के कारण काफी गैप अप ओपनिंग हुई थी, जिसमें 800 लेवल से ही ओपन हुआ और काफी स्ट्रेंथ रही। और जब क्लोज होते होते इसने 867 का हाई मारा था और 841 पे जाके क्लोज हो गया। ठीक है, तो हमने देखा काफी बड़ा कैंडल बना। ठीक है, अब जो गैप्स होते हैं उन गैप्स में एक स्पोर्ट बैठी होती है। ठीक है, वो स्पोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको हम एनालाइज कर दें। नॉर्मली जब गैप्स बनते हैं तो गैप्स के कारण क्या बनते हैं आपके ना स्पोर्ट होते हैं, प्राइसेस का ना स्पोर्ट मिलता है वहां पे। अभी क्या हो रहा है, अब रिसेंटली देखिए दो तरीके का इसके अंदर स्पोर्ट होता है। एक जो उस कैंडल का जो कि गैप अप ओपनिंग होने के या जो लो है वहां पे एक स्पोर्ट होता है स्टॉक का। दूसरा स्पोर्ट होता है जो जिस कैंडल से जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई, वो भी स्पोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखिए ये इसका जोन है जहां पे स्पोर्ट एरिया है। ठीक है, स्टॉक का अभी हम रिसेंटली क्या देख रहे हैं, जब स्टॉक यहाँ से गिरता जा रहा है तो आप रिसेंटली देखो यहाँ पे आप देखोगे कि ना कुछ ऐसे पैटर्न बन रहे हैं जिनको हम बोलते हैं हैमर काइंड ऑफ पैटर्न, जो कि थोड़े तो बुलिश होते हैं। ठीक है, अभी वैसे इतना स्ट्रेंथ अभी दिखाया नहीं है, लेकिन आप देखो स्टॉक ने ना एक ही लेवल पे दो बार, मतलब अगर मैं बात करूँ लो मारा है 766 का, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हाई इसका 765 है। तो आप क्या देखोगे यहीं पे ये सपोर्ट लेना स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ट्रेड करो अभी लॉन्ग की तरफ, क्योंकि अभी भी जो है कोई कैंडल इमर्ज नहीं हुई जिसमें हम बोल सके कि यहाँ पे जो है ये सपोर्ट कन्विंसिंगली बन चुका है। आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये देखो एक सपोर्ट तो बन ही रहा है। ठीक है, लेकिन अभी आपको ट्रेड नहीं एंटर करना चाहिए आईसी बैंक का लॉन्ग की तरफ। आपको पहले देखना चाहिए यहाँ पे ना कोई ऐसी कैंडल, या तो काफी बड़ी कैंडल ग्रीन कलर की बन जाए, ठीक है, तो बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न टाइप ऑफ चीज बन जाए, या कोई ऐसा जो कि बुलिश पैटर्न हो, तब आपको इसमें ट्रेड करना चाहिए। जहां तक हमें लग रहा है अभी तो ये स्पोर्ट ले रहा है, तो जब तक ये कोई अच्छा वो नहीं दिखाता आपको पैटर्न बुलिश वाला, तो आप ट्रेड ना करें, अभी जस्ट वॉच करें इस स्टॉक को। पर मैं बेसिकली आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि इसका जो स्पोर्ट है कहीं ना कहीं अभी फिलहाल ये वहां पे स्टॉक रुका हुआ है, पर पैटर्न को पहले आप बनने दो। हम कल फिर से वीडियो लेके आएंगे, कल फिर से देखेंगे कि कैसा पैटर्न रहा ट्रेडिंग के दिन। हर डेली कैंडल में तो आपको पता ही है नया कैंडल बन जाता है, तो उससे पता चल जाता है, आइडिया होता है कि कैसे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर कल स्टॉक इसके ऊपर, मतलब लास्ट दिन जो फ्राइडे को ट्रेड हुआ था, तो हमने देखा था 776.60 पे क्लोज हुआ था। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या दिन में स्टॉक का जो ट्रेडिंग है वो इसके ऊपर होना स्टार्ट होगी इस लेवल के ऊपर, 776 के ऊपर। अगर ये स्टॉक इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो काफी हद तक जो है आप देखेंगे कि स्ट्रेंथ वापस आ रही है, एक तो सपोर्ट लेवल पे भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, तब अपना सौदा जो है, मतलब मैं कह रहा हूँ आप ट्यूसडे को ओपन करें, अगर इनके स्टॉक जो है उसके ऊपर क्लोज होता है और कोई अच्छी कैंडल दिखाता है जिसमें हम बोलते हैं बुलिश, तो हम कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग की तरह। तो ऐसे ही हम बाकी स्टॉक्स की भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको हेल्प करें। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक मैं अपनी वीडियोस पहुंचा सकूं और आप स्टॉक्स के बारे में जान सकें कि आपको स्टॉक में लेनी चाहिए पोजीशन या नहीं लेनी चाहिए। तो अभी तो मैं फिलहाल बोलूंगा आईसीआई बैंक में आपको रुकना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी, जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।